की पहली प्रतिक्रिया लता दी को लेकर? देश क्या पूरे दुनिया जो है इस वक्त लता दीदी की खबर सुन के पूरे शोक में डूबी हुई है। हम लोग तो बिलीव नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वाकई लता जी नहीं रही, मतलब संगीत की देवी नहीं रही, साक्षात सरस्वती हम लोगों को छोड़ के चली गई। मतलब जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ जी। लता मंगेशकर जी, मतलब संगीत खत्म हो गया ऐसा लगता है जी। बचपन से उनको सुनता आया और कभी सोचा भी नहीं था कि लता जी से मिल पाऊंगा, उनका आशीर्वाद ले पाऊंगा जी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि बॉम्बे आया और उनका भरपूर आशीर्वाद भी मिला और उनके साथ मुझे लगता है आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा गाना गाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जी। उदित जी, तो लता जी की यादें, एक एक यादें हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है जी। वो आप किस तरह आती थी स्टूडियो में, कैसे मुस्कुराती हुई आती थी, कैसे लोगों का सम्मान करती थी और मौका मिला तो कई जोक्स भी करती रहती थी, बोलती थी उदित तुम आज हमारे साथ खाना खाओगे फिर गाना गाओगे। उदित जी, ऐसी कोई याद लता दी की, जब आप कभी उनके साथ रिकॉर्ड, आपने बहुत सारे गाने लता दी के साथ गाए हैं, कोई ऐसा वाकया जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें लता दी को लेकर? मैं उनके बारे में जितना भी कहूंगा वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी जी। लेकिन लता जी एज ए जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनकी सहनशीलता थी उनमें जी, जो लोगों का वो सम्मान करती थी, संगीतकारों से लेकर निर्माता, निर्देशक, एक्टर, उनके कोलिग्स को, तो मैं देखता रहता था कि ये लता जी हैं क्या? इतना नम्र स्वभाव, और माइक पे जाए तो लगता था कि ये आवाज साक्षात सरस्वती की ही आवाज हो सकती है। कुमार सानू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सानू जी, आज वो दुखद खबर आई जब इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियत लता जी हमारे बीच नहीं है। आपने खुद आवाज की दुनिया में बहुत बाकमाल गाने गाए हैं, आज आप कैसे याद कर रहे हैं लता जी को? देखिए, लता दीदी हमारे साथ नहीं है, हम ये सोचने में बड़ा तकलीफ हो रहा है। एंड आई थिंक कि ये खाली भारत के लिए नहीं, सारा विश्व के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, सारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है ये। एंड आई थिंक लता दीदी खाली गाना नहीं सिखाया हम लोगों को, गाना सिखाया नहीं, खाली गाना, गाने को कैसे जिया जाता है ये उन्होंने सिखाया हम लोगों को। हमारे सौभाग्य है कि हमने कई गाने उनके साथ गाए, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। हमारे लिए, हम जब पहला गाना उनके साथ रिकॉर्ड किया था, नया सावन करके एक मूवी था जिसमें बपीदा का म्यूजिक था, एंड प्यार तुम मुझसे करती हो वो गाना था, एंड उससे उसमें हमको लता जी के साथ पहली मुलाकात हुई और उनके साथ सौभाग्य हो गया उनके साथ खड़े होके गाने का। लेकिन उन्होंने जिस तरह से, मैं तो एकदम बहुत डर गया था, उन्होंने जिस तरह से मुझे हौसला दिया एंड जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि तुम बहुत सुर में गाते हो, तुम एक एक सिंगर के लिए ये बहुत बड़ी पाना होता है कि लता जी के मुंह से ये बात बोलना, और वो मेरे को एक तरह से हौसला देके गाने को उनका, देखिए गाने को जिया जाता, मैं जो बात कहा था ये होता है गाने को जिया जाना, क्योंकि गाना उनका खाली नहीं है, वो सोचते हैं कि गाना हम दोनों का है, तो एक जन खराब गाएंगे तो गाना खराब हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने उस चीज को जिया, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे साथ जो गा रहे हैं उनको भी हम हमारे लेवल पे लाके गाना कराएंगे तो ही जाके गाना सुनने में अच्छा लगेगा और लोगों को पसंद आएगा। तो ये सोच जो है, ये सोच हम लोग हम सोच ही नहीं सकते, उनसे सीखा ये सब चीजें, अभी आगे चल के हम लोग भी इसको इम्प्लीमेंट किया, हम लोग भी इनको प्रयोग, दादा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको जो कुछ यादें आती हो, जो आपके रिकॉर्डिंग के दौरान आपके कुछ यादें हो जो आप बता सकते हैं दीदी को लेकर, दीदी के बारे में? आपको रिकॉर्डिंग के दौरान जो उन्होंने ये सब बातें कहते थे कि भाई तुम अच्छा गाओगे, तुम क्यों डर रहे हो, तुम हमारे साथ गा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं
तुम अपना इस जगह पे इस तरह से गाओ, इस जगह पे इस तरह से गाओ, इस जगह पे इस तरह से गाओ, हाँ, क्योंकि ये हमेशा मिलता था उनके साथ गाने में। तो क्या होता है कि ये सीख मिला और हम क्या कर सकते हैं, हमारे सरस्वती पूजा काल गया, सरस्वती माँ का पूजा काल हुआ, आज ही विसर्जन हो गया उनका सही मायने पे। मतलब मैं कुछ भी नहीं सकता इस तरह के। हम लोग दिल से दुआ कर रहे थे कि जब वो हॉस्पिटल में गए, हम लोग दिल से दुआ करते थे कि कर रहे थे कि वो सुस्त होके वापस सुस्त मतलब जी। बिल्कुल दादा, आपने सरस्वती पूजा का जिक्र किया, सरस्वती की हम कह सकते हैं कि दीदी के तो आवाज में सरस्वती वास करती थी, इसी वजह से दुनिया उनको हमेशा याद भी रखेगी। दादा एक चीज बताइए, जिस तरह से आपने बहुत सारे हिंदी के अलावा बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस में गाना गाए हैं, दीदी ने भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाना गाए हैं, तो आखिरकार ये जो टैलेंट आपको कुछ सीखने को मिला उनसे कि आखिरकार किस तरह से हर भाषा को अपने हिसाब से ढाल लेती थी, लगता ही नहीं था कि उस भाषा को नहीं जानती है। देखिए हम जब भी कोई भाषा में गाना गाते हैं ये ऊपर वाले का देन होता है एक तो, और दूसरी बात है कि हमने दीदी से ये सीखा, जैसे कि उन्होंने जब हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब उन्होंने बंगला गाना गाया, बंगाली गाना गाया, तो बंगाली में जिस तरह से वो उच्चारण करते थे, हमारे साथ बात करते करते वो बंगाली में एक दो बात भी बोल देते। हम सब ये दुआ कर रहे थे कि जल्दी से स्वस्थ होकर लता मंगेशकर जो है वो वापस लौटे अस्पताल से, लेकिन आज जो खबर आई हम सबको हैरान कर गई है, तोड़ गई है एक तरह से। बहुत बहुत ही बड़ी दुख की बात है, मुझे अभी मालूम पड़ा, अभी तक तो मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ, और आपसे पहले आपसे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें ट्रिब्यूट दे दूँ। बहुत बड़ा भारत के इतिहास, म्यूजिक के इतिहास, ये भारत ऐसे एक देश के हिसाब से भी बहुत बड़ा लॉस है। इससे बड़ा, इससे बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे देश में कभी आई नहीं। और आज मैं ये कहूँगा कि वसंत पंचमी में सरस्वती माँ को लेकर चले गए। हमने तो एक फैन के तौर पर उनके संगीत को सुना है, लेकिन आपके बहुत सारे अनुभव रहे होंगे उनके साथ, 6 दशकों तक उन्होंने भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज दी। जी बहुत दुख की बात है कि उनके साथ में मेरे आखिरी अभी मुलाकातें नहीं हो पाई, क्योंकि पिछले 2 साल से वो घर से बाहर निकली नहीं क्योंकि कोविड चल रहा था, पर हम लोग निरंतर फोन पर टच में थे, हम लोग व्हाट्सएप पे टच में रहते थे, और उनके साथ मुझे बहुत मतलब सानिध्य मिला। बहुत भाग्य हमारे अच्छे कर्म किए होंगे कि इतनी बड़ी हस्ती, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, हमें निरंतर उतना स्नेह दिया। बहुत बहुत बड़ा लॉस है हम सबके लिए।